प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने शनिवार को माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने 322 दिव्यांग विद्यार्थियों को उपकरण वितरित किए गए। तोपदड़ा स्थित गांधी भवन स्कूल में आयोजित समारोह में जिले के 322 दिव्यांग छात्र छात्राओं को 21 तरह के उपकरणों का वितरण किया गया। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि दिव्यांग छात्र भी आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को सबके सामने रखें, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से जिले के 3,822 दिव्यांग विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 322 विद्यार्थियों को उपकरण की आवश्यकता थी, जिन्हें आज उपकरण दिए गए। राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा जो उनका सर्व शिक्षा अभियान चलता है, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम अंग उपकरणों का वितरण करते हैं। आज अजमेर में अब सरकार ने 21 तरह के हमने तैयार किए हैं, जिसमें आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियां बढ़ा दी हैं। उसके तहत 3,822 बच्चों को चिन्हित किया, उसमें से 322 बच्चे ऐसे निकले जिनको किसी न किसी अंग उपकरण की आवश्यकता है, चाहे वो ट्राईसाइकिल हो चाहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए स्वामी टीवी।